इसको यहाँ से पकड़ो और ले जाओ। पाकिस्तान की याद आ गई ऐसे ऐसे देख दे। और चेक करें आप, पकड़ो मतलब सर में मारो। लीमू चेक करें, लीमू का साइज कितना बड़ा बड़ा और ये इतना छोटा। ओ माय गॉड, आई लव दिस। ओके व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सैमा अली खान है और आप मेरे हाथ में ये जो बैग्स देख रहे हैं ना, तो ये हैं आइकिया के बैग्स, बड़े ही मजबूत बैग्स हैं। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, मैं जरा लिफ्ट का बटन दबा दूँ, ये रही लिफ्ट, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं ग्रॉसरी में, बहुत ही मजबूत। और एक और जी पे चले जाएं हम जरा। हाँ जी, तो बहुत ही मजबूत और दमदार होते हैं ये वाले शॉपर्स, तो ये हम अपने पास रखते हैं। तो आज जो डे है वो है ग्रोसरी डे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, कोई आ ना जाए लिफ्ट में, मैं ही हूँ बस। अच्छा, मैं शेयर करने जा रही हूँ कि यहाँ पर मलेशिया में ग्रोसरी कैसे होती है, कहाँ कहाँ से होती है, कितने में होती है, हम कहाँ से करते हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं। और वैसे तो 3-4 जगहों पर जाते हैं, मैं जितना कवर कर सकी मैं उतना कवर करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम क्या क्या लेते हैं और यहाँ क्या क्या मिलता है। बहुत सारी शॉप्स भी हैं यहाँ पर, तो सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो थके ही बोलते बोलते, बड़ी एनर्जी चाहिए होती है आप लोगों के साथ बात करने में, तो चलिए लेट्स गो, चलते हैं जी। तो मैं एंटर हो रही हूँ, यहाँ से हम टिकट ले रहे हैं, पार्किंग टिकट, और चलते हैं आगे। मैं आ गई हूँ एन एस के, ठीक है। तो एन एस के जो के है चीप मार्केट ग्रॉसरी की, तो एक है माइडीन और एक है एन एस के। वैसे तो आपको बहुत सारे मार्ट मलेशिया में, बहुत सारी जगहें सब मिलेंगी, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा चीप होगा। तो मैं एंटर हो गई हूँ, मैं सबसे पहले सब्जियों वाले पोर्शन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं आपको सारी सब्जियाँ दिखाती हूँ कि कितनी रंग भरंगी सब्जियाँ, कितनी डिफरेंट है, कितना बड़ा शलजम है। ओह माय गॉड, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रॉसरी करने आई हूँ। गौहर अक्सर ग्रॉसरी करते हैं, मतलब वो ही करते हैं, तो मैं वीडियो के चक्कर में आज आई हूँ और मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लूँ क्या नहीं लूँ। बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, एक ही सब्ज़ी जो है वो 10 तरह की है यहाँ पर। अब ये बंद गोभी देखिए, ये बंद गोभी का अब्बा है जैसे। और मैं लेने लगी हूँ आइसबर्ग आंटी के लिए, तो आइसबर्ग में भी बहुत सारी किस्में हैं, तो मैंने हर किस्म की उठा ली। और सब्ज़ी है, हलाल है, अल्लाह का शुक्र है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बस टेस्ट का थोड़ा सा होगा, तो मैं एक दो करके कुछ उठा लेती हूँ। वैसे तो ये आइसबर्ग लग रही है मुझे, तो ये ही मैं उठा लेती हूँ और आगे चलते हैं आगे क्या क्या है। और ये है जिगली जेली, अब पता नहीं क्या है। तो और आगे चलते हैं, बहुत सारे किस्म के हरे प्याज थे, तो वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा उठाऊं। और यहाँ गाजर आ गई, और ये आप देखें कितने छोटे साइज़ का बैंगन है, बहुत छोटे साइज़ का, छोटे से बहुत बड़े साइज़ में हर सब्ज़ी थी है। और लीमू देखिए, इतने छोटे छोटे साइज के लीमू, और ये किमची है, मसाला लगी हुई। ईयू यार, यहाँ पर ना नस्लें मतलब नस्ल है हर चीज की। अब ये इतना बड़ा बैंगन है जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये देखो इतना बड़ा, तो मैं लू के नहीं लू मेरी समझ नहीं आ रहा, बाहर का है मेरी समझ नहीं आ रही सब्जी। और ये इतना छोटा बैंगन, वो इतना बड़ा और ये इतना छोटा। ओ माय गॉड, लीमू चेक करें, लीमू का साइज, ये कद्दू का साइज चेक करें, इतनी किस्म की चीजें हैं ना, इतनी किस्म की चीजें हैं। ये वाला आप चेक करें, हरा प्याज, और ये वाला प्याज चेक करें, ये वाला कौन सा सही है क्या लूं मैं यार। ये वाली अदरक चेक करें आप, पूरी अदरक, ये बड़ी अच्छी अदरक है, और इसकी ये वाली चेक करें आप, ये वाला पाप है अदरक का, पाप हल्दी भी है, हल्दी भी है, हल्दी 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 भी है, लेमन ग्रास, ऐसे साथ खोपड़ू
पकड़ो उनके सर में मारो। और ये किसी और नस्ल का कुकर है जी। तो मुझे एक बेहतरीन सी चीज़ नज़र आ गई है, इसे कहते हैं बेह सिंधी में। और अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। मुझे लगता है चाइनीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं ये। ख़ास तौर पे मैं अम्मा जान को दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बेह देखें कितना बड़ा है। और ब्रोकली मेरी मोस्ट फेवरेट है। के अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाने चाहूँगी, यहाँ पे पैकेट्स में भी चीज़ें, आपकी मर्ज़ी आप छांटी करके लें, आपकी मर्ज़ी आप पैकेट्स उठाएं, लेकिन पैकेट्स में थोड़ा सा 19-20 जैसे 1-2 रिंगिट का फ़र्क था। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है भाई, शकरकंदी की कोई नस्ल लग रही है। बहुत किस्म की शकरकंदियाँ भी हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। यहाँ मुझे बेबी पोटैटो नज़र आ गए और साईं भी नज़र आ गए। हाय साईं प्याज ले रहे हैं। मज़े की बात ये है कि यहाँ पर छांटी करके चीज़ें ली मैंने, बड़ा मज़ा आया, पाकिस्तान की याद आ गई। ऐसे ऐसे देख देख के मैंने सारी चीज़ें ली हैं। और एक चीज़ दिखाती हूँ, फ्रेश फिश, इसको यहाँ से पकड़ो और ले जाओ। प्याज भी बहुत सारे किस्म का था यहाँ पर। कौन खाता है? हेलो जानू। अच्छा ये बड़ी कमाल की बात है यार कि फ्रेश फिश, फ्रेश बिल्कुल पानी में वहीं पर ही थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये फिश है, ड्राई फिश मलेशियंस और इंडियंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर खाते हैं। ये सारी हर किस्म की यहाँ पर फ्रेश फिश रखी हुई है, सुखा के उसको पिचका के। और ये क्या चीज़ है, ये कोई कीड़ा या झींगा है शायद। तो चले और भी दिखाती हूँ जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट अप करके आपको दिखाती हूँ। इस तरफ सारी दालें हैं, चने हैं, राजमा हैं, और देखें साफ सुथरे पैकेट्स में, फुल साफ और शफाफ पैकेट्स में। और इस तरफ सारे मसाले हैं और ये क्या चीज़ें, सीड्स हैं आई थिंक, ये ब्लैक सीड्स जैसे होते हैं। और ये हो गया सूखा धनिया। तो ये पूरा, ये जो पूरा कॉर्नर है ये सारा दालें मसाले धनिया शनिया ये सब का है। और ये पापड़, ये भी मेरे फेवरेट पापड़ है यहाँ पर। सी फूड क्रैकर्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, तो बड़े अच्छे होते हैं ये भी। और भी यहाँ पर सी फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो शेल्स, फिशेस, हर नस्ल की फ़िश होगी और छोटी से बड़ी सारी फिशेस होंगी। और मुझे ये बड़ी पसंद आई ये चीज़ यार, ये जो है ना फ्रेश फ्रेश। और शेल देखें आप, पानी में ही हैं फ्रेश फ्रेश, तो शेल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फास्ट फास्ट बढ़ते हैं, दिखाती जाती हूँ। हर किस्म की फ़िश है, देखें आप सारी फ़िशेज़ हैं, कितनी डिफरेंट डिफरेंट फ़िशेज़ हैं यहाँ पर। और मुझे भी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, फास्ट फास्ट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि गौहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए कितनी छोटी फ़िश है, वाओ। तो मुझे बड़ा शौक है छोटी फ़िश खाने का, क्रिस्पी होती है। और यहाँ पर क्रैब्स भी आ गए, अगेन फ़िश 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 फ़िश। तो बस अब हम आगे की तरफ जल्दी से निकलते हैं। और ये पूरा जो एरिया है ये सी फूड का एरिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया हर तरह की फ़िश और सी फूड। और सामने जो है चिकन, फ्रेश चिकन जो है वो काटा जा रहा है। और गोश्त है, हमने गोश्त और चिकन यहाँ से नहीं लिया, आई डोंट नो गोहर ने क्यों नहीं लिया। हम लेते हैं माईडीन से या फिर हम फ्रेश मार्केट से लेते हैं। फ्रूट के पोर्शन में आ गई हूँ, फ्रूट का पोर्शन बहुत ही खूबसूरत है, सब में ज़्यादा जो खूबसूरत है ना वो ये है जी। तो मलेशिया में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि फ्रूट बहुत महंगा होता है। मुझे तो महंगा लगता है इसलिए क्योंकि हम वहाँ दर्जन के हिसाब से हर चीज़ लेते हैं, जैसे ऑरेंज हो गई, केले हो गए, यहाँ पर दर्जन नहीं मिलती, यहाँ पर एक एक के प्राइस होते हैं। और सब में बेहतरीन बात कि हर किस्म का फ्रूट होगा, आपको मौसम हो ना हो लेकिन आपको सारे फ्रूट मिलेंगे यहाँ पर। गर्मी सर्दी कुछ नहीं होती, सिर्फ गर्मी होती है और बारिश का मौसम होता है यहाँ पर ज़्यादातर। तो इम्पोर्ट किए जाते हैं ज़्यादातर यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर चीज़, ज़्यादातर चीज़ें जैसे इम्पोर्ट करते हैं तो हर चीज़ ही मिल जाती है। लीची माय फेवरेट है, तो मैंने 2 डब्बे उठा लिए थे लीची के, तो उसी वक्त फ़ौरन फास्ट फास्ट करके। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको वो कैरी और आम वगैरह भी दिखाऊंगी। यहाँ पर बास्केट्स भी हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में रिवाज है वहाँ पर, यहाँ पर भी रिवाज है बास्केट में फ्रूट गिफ्ट करने का। तो ये यहाँ का मलेशियन फ्रूट है, मैंगोस्टीन। ये तो मैंगो है, वो जो मैं पहले दिखाई थी मैंगोस्टीन था। काफ़ी सारी किस्में हैं मैंगो की भी यहाँ पर माशाल्लाह से, लेकिन कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता मैंगो का यहाँ पर, अभी तक मुझे मिला नहीं पाकिस्तान जैसा टेस्ट यहाँ पर।
तो अच्छा, ये वाला जो सारा पोर्शन है, ये सारा चावलों का है, यहाँ से लेकर वहाँ तक बोरियाँ भी मिलेंगी आपको चावल आटा, और जो वो है ना आलू प्याज वो भी आपको मिलेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चाहिए ना तो ज़्यादा क्वांटिटी वाला भी मिलेगा आपको। जी तो हमारी ग्रॉसरी हो गई है मुकम्मल, मतलब यहाँ की ग्रॉसरी एनएसके से मुकम्मल हो गई है, और ये सारा बिल है, अभी तो आधी ग्रॉसरी की है हमने, तो अब रवानगी की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब बैठते हैं गाड़ी में। जी ग्रोसरी हो गई है, लेकिन अभी हाफ ग्रोसरी हुई है, अभी हम एक और जगह पे जाएंगे अगर वो बंद नहीं हुई तो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नेक्स्ट डे मैं आई हूँ मायदीन में, तो मेरे साथ आज जयान है, और मैं दिखाती हूँ जयान कैसे बैठा है। ट्रॉली लिए, और ये रहा जयान। जयान जयान चीजें लेते जाएगा। जयान मुझे कह रहे मम्मा दिस, जो जयान जो कहता जा रहा है मम्मा वो लेती जाएंगी। तो चले, व्हाट जयान, व्हाट यू वांट दिस, ओके। तो चले अब हम चलते हैं और देखते हैं कि बाकी क्या रह गया, और वो चीजें उठा लेते हैं। तो ये उठा लेते हैं। जयान यू वांट दिस, ओके से ओके मामा, ओके चले। अब मामा को जो जो याद आता जाएगा। ये भी ग्रोसरी स्टोर बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर कार्स ले ली है, जब तक जयान कार नहीं लेगा तो हाय सुकून नहीं आएगा। मेन मकसद जो मेरा यहाँ पे आने का था ना, वो है चावल और आटा। चावल और आटा बेहतरीन किस्म का मिलता है। मायदीन यहाँ का नाम है जगह का, मार्ट का, और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कौन सा वाला चावल यूज़ करते हैं, और काफ़ी अच्छा है। और जैसे हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर बहुत किस्म के चावल हैं, बहुत सारे। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ, और गोश्त वगैरह भी मैं यहीं से लूंगी, थोड़े बहुत मसाले जो होते हैं वो भी यहीं से मिल जाते हैं। जी तो मैं मायदीन का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। मायदीन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये मॉल ग्रॉसरी का, तो ये एनएसके से थोड़ा सा साफ़ सुथरा है, और थोड़े से पैसों में 19-20 का फ़र्क है मायदीन और एनएसके में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से ले लेते हैं, कुछ चीज़ें जो वहाँ नहीं मिलती तो हम वहाँ से ले लेते हैं। जो मेन मकसद था चावल आटे का, वो हम यहीं से ही लेते हैं, वो बेहतरीन होता है, देख लीजिएगा आप आगे चल के। तो और एक और बात, हमारी जो ग्रॉसरी हुई है वो होती है तकरीबन 2500 रिंगिट तक चली जाती है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 अफराद हैं। तो ये सारे मसाले हैं यहाँ पर, खुले मसाले भी मिलते हैं और पैकेट्स में भी मिलते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी क्वांटिटी में उठाना चाहो तो आप इस तरह उठा के और शॉपर में पैक करके और सामने जो लेडी हैं उनको दे दें, वो आपको सील पैक करके दे देंगी। मैं फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच गई हूँ, चावल बेशुमार मिलेगा आपको, वो देखें वहाँ तक बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी मैं जो लेती हूँ और वो बहुत अच्छा है। सेला जो है वो परबॉयल कहते हैं यहाँ पर सेला को, और जो बासमती हैं वो हैं स्टीम्ड। तो ये दो हैं और मैं दोनों आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये स्टीम्ड, ये बासमती हैं, ये वाला पैकेट अच्छी तरह देख लें, और ये जो है परबॉयल, आटा भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। हमने बहुत सारे आटे ट्राई किए, लेकिन किसी में भूसा बहुत ज़्यादा होता है, कोई काली रोटी, कोई बिल्कुल वाइट सफ़ेद आटा, तो जो सब में अच्छा आटा है ना वो ये वाला है, ब्लू कलर का है और इसके ऊपर लिखा हुआ है चक्की आटा, सब में अच्छा। ये थोड़ी सी ब्राउन भी है, वाइट भी, और ये प्योर है, और ये सब में बेहतरीन है। तो ये छोटा पैकेट है, मैं बड़ा पैकेट उठाने लगी हूँ यहाँ से। जी तो ये आ गया है पोर्शन मायदीन का मीट का, तो आप देखें कीमा, गोश्त, लैम, चिकन मसाला लगा हुआ भी पड़ा होता है, लेकिन मैं वो नहीं लेती। तो फ्रेश चिकन, फुल चिकन, कटा हुआ चिकन, सब यहाँ पर मिलेगा साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा, और रिजनेबल प्राइस, इतने ज़्यादा प्राइस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया इतना प्राइस ही नहीं है। ये क्या है, ये कह रहे वाओ फिश स्क्विड बहुत ज्यादा खाया जाता है यहाँ पे। हाँ क्या हुआ,
जी तो अब मैं बिल करवा रही हूँ यहाँ पर, और ज़यान को मैंने पॉपकॉर्न दिला दिए हैं, वो मसरूफ़ हो गया है पॉपकॉर्न में। एक और बात कि अब लास्ट जो डेस्टिनेशन रह गई है वो है पाकिस्तानी शॉप, वहाँ से भी हम कुछ चीज़ें लेते हैं जो हमें एक आदत सी हो गई है कि उसके बगैर फिर हम रह नहीं सकते, जैसे हमारे मसाले और हमारी टपाल टी जो चाय है। तो चलें अब मैं ये ओवरव्यू दिखाती हूँ आपको लास्ट में माइडीन का। बाहर से इस तरह है माइडीन और ये सुबांग में है, और इसी तरह तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप के आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव भी होगी, आपके काम भी आएगी और आपको मज़ा भी आएगा जैसे मुझे मज़ा आया। मैं नहीं करती ग्रॉसरी, गौहर ही करता है। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या उठाऊँ क्या नहीं उठाऊँ, तो अल्लाह का ये बहुत शुक्र है कि वो करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।